मेरे मन में सूझ नहीं रहा है क्या करें और क्या ना करें, किस रास्ता में जाएं, अभी मैं क्या क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल है। बढ़िया बात है भाई, तो हाँ कुछ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजे कर रहा हूं। बढ़िया बात है भाई, मजा में फिर सजा है, इसको भी नहीं भूलना, ठीक है ना। हाँ, हमारे बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे चींटी और ग्रासहॉपर, तो चींटी तो मेहनत करके रोटी बना लेते थे। हाँ अरे भाई मेरे, सबसे पहले समझो कि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं पा रहा हूं। ये समझने के लिए क्या क्या किया हो ये तो बताओ, कि मुझे समझना है, मेरे दिमाग में काम आए उसके लिए मैं क्या प्रयास किया हूं। जब कुछ किए ही नहीं है, कुछ आपके पास आइडिया ही नहीं है कि कुछ करने के लिए दिमाग में आइडिया कहाँ से आएगा। सब करो, वकालत करो, सकालत करो, चकालत करो, राजनीति करो, बिजनेस करो, दुकान करो, नौकरी करो, सब करो, लेकिन ये सब करने के लिए तो एक आंतरिक प्रेरणा, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक प्लानिंग, एक प्रोजेक्ट, एक टारगेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर कैसे करोगे? ये सबसे मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप, बाप सुन लो, कोई भी नया काम आरंभ करना, प्रारंभ करना बड़ा सहज है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम ये ताड़ेंगे, मोड़ेंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, उल्टा के गिरा देंगे, नया कपड़ा सिला देंगे, बेच देंगे, वकालत करेंगे, सब करो ना भाई, कौन मना कर रहा है। प्रश्न ये है कि कौन सा करोगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस में सस्टेनेबल लेवल पे करोगे, कंसिस्टेंसी लेवल पे करोगे, लंबे समय तक खींचके लेके जाओगे, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनता है, स्टार्ट होता है, चलता है, लेकिन कितना दिन चल पाता है? वो जो प्रमोशन है, वो जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो उसको तो चाहिए ना, वो जो क्रिएटिव माइंड चाहिए, वो जो कंटिन्यू फाइट चाहिए, वो उसके लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। कहीं ट्रेनिंग गए हो? भाई देखो शनि साढ़े साथ ही, मेरा माइंड चंद्रयुक्त शनि का दृष्टि है और बाप 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 का मतलब बीस योग में पड़ा हुआ है, और ऐसे आदमी को रेगुलर मोटिवेशन चाहिए, और ऐसे आदमी के दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है, बूझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मजा ले रहे हैं, सजा पाना है, क्या करोगे? तो देखो इसका दो रास्ता बता दे रहा हूँ। एक नंबर रास्ता है, हम लोग ऐसे लोगों के लिए स्पेशल शिविर करते हैं कि मेंटल क्रिएटिविटी एंड मेंटल फंक्शन, ऐसे लोगों का माइंड ब्लॉक रहता है, उनको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है, और ऐसे लोग बहुप्रारंभी किंतु कोई भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। बहुआरंभी मतलब बहुत कुछ आरंभ कर देते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, कुछ दिन में छोड़ के फिर बैकगियर में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल एक महीना का साधना शिविर चाहिए जो हम लोग कराते हैं। आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दे, लेकिन दूसरा रास्ता बता दे रहा हूँ, सुनो। एक नंबर, क्या क्या करोगे जिसके द्वारा कि आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के माइंड ब्लॉकेज ओपन आउट होगा, और ये जो ज़िंदगी में हर काम को ये ढूंढ लोगे कि मेरे को रियली मैं किस लिए जन्म हुआ हूँ, कौन सा काम करना है जिस काम में मैं कभी फेल्योर नहीं होऊंगा और मेरे लक्ष्य दिशा तक पहुँचूंगा। तो पांच बिंदु बताऊंगा, एक नंबर बिंदु सुन लो, रेगुलरली प्रैक्टिस अग्निहोत्र, दोनों समय अग्निहोत्र करो, ये पहला बिंदु है, ठीक है। अब दूसरा सुनो।